गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल समझते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। यहाँ पे जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है C1, तथा जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड दूसरा दे रखा है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है C2, और जो सोल्यूशन है वो सी कंसंट्रेशन का है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक अमलगम आर 2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मर्करी एंड 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मर्करी इन एनोड एंड कैथोड हाफ सेल रेस्पेक्टिव, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए द रिएक्शन एट 2 हाफ सेल्स आर, पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे कैथोड के ऊपर, हमें पता है रिडक्शन होता है, तो जिंक प्लस 2 सी कंसंट्रेशन का वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, जिंक बना लेगा जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है C2। ये इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन दिखा रखी है यहाँ पे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक प्लस 2 बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक जो इलेक्ट्रोड है एनोड वाला वो C1 कंसंट्रेशन का है, तो नेट सेल रिएक्शन होगी जिंक C1 कंसंट्रेशन कन्वर्टेड इनटू जिंक C2 कंसंट्रेशन। यहाँ पे नंस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ई सेल बराबर ई नोड सेल 0.591/2 इसलिए आ रहा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग C2/C1, तो 0.591/2 लॉग C1/C2, ई नोड सेल तो 0 होता है तो 0.591/2 लॉग। अब देखिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम दे रहे हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले को ऊपर रखना है, कम कंसंट्रेशन वाले को नीचे रखना है, क्योंकि हमें ई सेल का मान पॉजिटिव लेके आना है। दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो 2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मर्करी और 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मर्करी, तो यहाँ पे 2 और 1 ये 65.4 और ये 65.4 यहाँ लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का 100 ग्राम में कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास में वोल्ट में 8.8 × 10^-3 वोल्ट।